गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माई चैनल जी मेडिकल्स। सो टूडे वी आर गोइंग टू सी अ, तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, डाया देन रिया। ठीक है, तो डाया मीन्स होता है फ्लो, कुछ तो फ्लो हो रहा है, एंड रिया मीन्स होता है थ्रू। ठीक है, तो कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है इसलिए हमने बोल दिया फ्लो थ्रू। सो हम सब जानते हैं नॉर्मली हम डायरिया को लूज मोशन भी बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं आपको, वी आर गोइंग टू सी इन अ नेक्स्ट स्लाइड व्हाट इज हैपनिंग एंड हाउ डायरिया अकर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द एनाटॉमी। हम सिर्फ उतनी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे जो कि यूजफुल है इस डिजीज के लिए। सो हम सब जानते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। सो हमारे पास टू टाइप्स के पाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज विंड पाइप एंड सेकेंड वन इज फूड पाइप। तो मैंने इसमें विंड पाइप शो इसलिए नहीं किया है क्योंकि उसकी कोई नीड नहीं है। तो फूड पाइप को हम एसोफेगस भी बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली हमारे एब्डोमेन से या स्टमक से अटैच होता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा फूड पाइप आया और ये डायरेक्टली किससे अटैच हो गया, एब्डोमेन या स्टमक से अटैच हो गया। ठीक है, तो जैसे ही हम कुछ भी खाते हैं वो गया किसके अंदर, हमारे एब्डोमेन के अंदर। और हम सब जानते हैं कि एब्डोमेन में हमारा एक एसिड बनता है, डेट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन शॉर्ट HCl। HCl करता क्या है कि वो फूड को डाइजेस्ट करने में, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक, सो डायरिया, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डायरिया में कभी कभी प्रॉब्लम ये भी आती है कि हमारा HCl लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो जब हमारा HCl लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो सिंपल सी चीज है, उसका जो फंक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उसका फंक्शन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। तो फास्ट ब्रेकडाउन ऑफ द फूड की वजह से क्या होगा, फास्ट डाइजेशन होगा। फास्ट डाइजेशन की वजह से क्या होगा, लूज मोशन होने के चांसेस होते हैं। तो ठीक है, ये सब हम पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आगे देख लेते हैं। ठीक है, HCl का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। देन हमारा जो एंड पॉइंट है एब्डोमेन का या स्टमक का, वो कहाँ पे एंड हो रहा है, ड्यूओडेनम में। तो ड्यूओडेनम क्या है, हमारे इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आते हैं इंटेस्टाइन पे। तो हम सब जानते हैं कि ब्रेकडाउन हुआ फूड का, वो ड्यूओडेनम से होता हुआ हमारे लार्ज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया पहले, देन वो बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो पहले जब वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, तो मेन फंक्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है कि वो उस कंटेंट में से जो ब्रेकडाउन हो रखा हुआ है फूड, उस फूड में से क्या चीज लेती है, वाटर एंड बहुत सारे, जैसे सोडियम हो गया हमारा, पोटेशियम हो गया। ठीक, ये सारी चीजें, आयंस वगैरह, ये सारी चीजें अब्सॉर्ब कर लेती है कौन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन अगर एब्जॉर्ब ही ना करे, वाटर सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है, अगर मान लीजिए एब्जॉर्ब ही ना करे तो क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि हमारा स्टूल जो है वो कैसा रहेगा, लूज रहेगा। और अगर वो वाटर उसमें से ले लेती है नॉर्मली जैसा लेती है, तो हमारा स्टूल कैसा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसने अपना फंक्शन फेल कर दिया तो हमारा स्टूल लूज रहेगा और हमें लूज मोशन हो जाएंगे। जितना ज्यादा उसमें वाटर होगा उतना ज्यादा उसका फ्लो बढ़ जाएगा, उतना ही उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और उतना ही तेजी से वो शिफ्ट होता रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद वो डेफिकेट हो जाएगा। तो ये थी एनाटॉमी। तो मैंने आपको उतनी एनाटॉमी डिस्कस की है जितनी नीडेड है, एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में इन्होंने बताया हुआ है कि वॉटरी स्टूल होता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो वॉटरी स्टूल हो गया, जिसको हम लूज स्टूल भी बोलते हैं। तो लिमिटेशन कितनी है, कितने ज्यादा स्टूल पास हो जाएंगे जिसको हम बोलेंगे कि ये डायरिया हो गया है। तो मोर देन, ये WHO के अकॉर्डिंग है कि मोर देन 3 अगर स्टूल पास होते हैं पर डे, ठीक है, एक दिन में अगर 3 से ज्यादा बार अगर आप स्टूल पास करने, डेफिकेट करने जाते हो, तो उसे हम डायरिया में डिनोट करते हैं। ओके, चिल्ड्रन में क्या होता है कि चिल्ड्रन, जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है कि, दिखाती हूँ मैं आपको, चिल्ड्रन में ज्यादा इफेक्ट होता है जो कि 2 साल से कम के हैं। क्यों, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, प्लस उनकी जो डाइजेशन की पावर है वो भी कम होती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी कम होती है तो इनके इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जब उन्हें इन्फेक्शन अगर हो गया, या मान लीजिए उन्होंने कुछ थिक मिल्क ले लिया या कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से वो प्रॉपर, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको प्रॉपरली नहीं एडजस्ट कर पाया और उन्हें लूज स्टूल हो गया। ठीक है, और अगर
मैं बोलती हूँ कि अगर इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा, इन्फेक्शन हुआ तो वो हो सकता है कि उनके इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हो सकता है कि इंटेस्टाइन में भी वो इन्फेक्शन चला गया। ठीक है, इंटेस्टाइन में अगर वो इन्फेक्शन चला गया तो सिंपल सी चीज है, जिस ऑर्गन में इन्फेक्शन जाएगा वो ऑर्गन अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इंटेस्टाइन ने अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं किया, मतलब उन्होंने उसने क्या किया, वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, आयंस एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और स्टूल क्या हो गए, लूज हो गए। ओके, अच्छा, जब सिंपल सी चीज है कि जब आप बहुत ज्यादा स्टूल पास करने जाते हो तो आप फिजिकली वीक होने लगते हो, तो आपको क्या लगेगा, वीकनेस लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका वाटर और सॉल्ट लॉस हो रहा है स्टूल के साथ, वो बहुत ज्यादा पास आउट हो रहा है और अंदर से आप क्या फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो और वीक फील कर रहे हो। तो हम सब जानते हैं कि डायरिया मोस्ट कॉमन है और किसी भी एज में हो सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन। सो डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है, एक बार देख लेते हैं। पासिंग ऑफ द एबनॉर्मली लिक्विड एंड unformed stool at an increased frequency। तो मैंने आपको बताया ना कि frequency increase हो जाती है, मैंने आपको पहले भी अभी बताया हुआ है कि frequency क्या होती है, कितनी बार गए आप, ठीक है, number of defecation कह सकते हैं, number of stool passing कह सकते हैं, वो increase हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एबनॉर्मल जो लिक्विड है वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है, स्टोर कह सकते हैं या उसके अंदर ही रहता है, जो कि एबनॉर्मल लिक्विड क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द WHO। तो WHO ने बताया हुआ है कि अगर हम 3 बार से ज्यादा पर डे जाते हैं स्टूल पास करने के लिए तो इट विल कंसिडर्ड एज अ डायरिया। सो इट इज अ सिम्टमेटिक प्रॉब्लम, सिंपल सी चीज है, सिम्टम्स तो आएंगे ही, जैसे कह सकते हैं एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक, वीकनेस आपको लगेगी, इन्फेक्शन है इसलिए आपको फीवर भी आ सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें डायरिया में होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉजेस। तो कॉजेस में सबसे पहले क्या इन्होंने बताया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ द टू मच ऑफ द एल्कोहल। तो हम सब जानते हैं कि नॉर्मली ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के घर में भी होता होगा कि थोड़ा डिनर करने के बाद थोड़ा बहुत अल्कोहल इंसान ले लेता है और सो जाता है। वो क्यों ले लेता है, मेनली वो डाइजेशन के लिए ले लेता है, जैसे कि चिकन और अल्कोहल का एक कॉम्बिनेशन रहता है तो वो डाइजेस्ट हो जाता है प्रॉपरली। तो अल्कोहल का एक प्रॉपर्टी है, आपको ये तो इतना तो सभी को पता रहता है कि अल्कोहल हम ले लेंगे तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, बट क्यों हो जाएगा ये शायद आपको नहीं पता होगा, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि क्यों हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि अल्कोहल करती क्या है, वो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे एब्डोमेन या हमारे स्टमक के अंदर होता है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देती है। तो वंस इट विल इंक्रीजेस द फंक्शन इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है कि अगर HCl की क्वांटिटी इंक्रीज होगी उसका फंक्शन भी इंक्रीज होगा, तो उसका फंक्शन क्या है कि ब्रेकडाउन ऑफ द फूड एंड डाइजेशन, ठीक है, तो वो डाइजेशन की एबिलिटी को इंक्रीज कर देगा और स्टूल क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, या कह सकते हैं कि फास्ट डाइजेशन की वजह से लूज स्टूल हो जाएगा, ठीक है। कंज्यूमिंग ऑफ टू मच ऑफ द कॉफी, ठीक है, तो कॉफी क्या करती है, कॉफी एग्जैक्टली हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर वर्क करती है, वो इंटेस्टाइन की जो कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन वाली जो एबिलिटी है, हम सब जानते हैं कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, मैं आपको यहाँ पे इंटेस्टाइन ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको इजी रहेगा समझने में। तो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है ऐसी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो कॉन्ट्रैक्शन करने की एबिलिटी है, तो हम सब जानते हैं कि अगर इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी तो क्या होगा, जो कंटेंट है वो मोटाइल नहीं हो पाएगा, वो आगे चल के शिफ्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि नॉर्मली तो हमारा जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू, तो जो स्टूल है वो टाइट हो जाता है, अब वो टाइट स्टूल आगे कैसे शिफ्ट होगा। तो सिंपल सी चीज है, हमारी जो इंटेस्टाइन है वो करेगी क्या, वो उस चीज को कॉन्ट्रैक्ट, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगी और जो चीज है या स्टूल है वो नीचे शिफ्ट या डिसेंट होता जाएगा और आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन से वो बाहर डेफिकेट हो जाएगा। सो कॉफी क्या कर रही है कि ये कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी को इंक्रीज कर रही है, तो ज्यादा फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ज्यादा फास्ट शिफ्टिंग ऑफ द स्टूल होगा और स्टूल ज्यादा फास्टली क्या होगा, डेफिकेट आउट हो जाएगा। देन नेक्स्ट देख लेते हैं रिएक्शन टू मेडिकेशंस। तो कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं मेट्राक्लोप्रामाइड,
डोमपेरिडोन वगैरह, ये सारी मेडिसिंस करती क्या है कि ये सिंपली इंक्रीज कर देती हैं बॉवल मूवमेंट को। तो बॉवल मूवमेंट क्या है, हमारी जो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट है, जो कि स्टूल का मूवमेंट है, स्टूल कितनी फास्ट आगे शिफ्ट हो रहा है उस मूवमेंट को वो इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है स्टूल के पास आउट होने की। देन नेक्स्ट है बैक्टीरिया सच एज ई कोलाई। तो ई कोलाई बैक्टीरिया मैंने आपको पहले बताया कि इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे जो इंटेस्टाइन है उसका मेन जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो अफेक्ट हो रहा है। तो अफेक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो स्टूल है वो उसका जो वाटर है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो पास आउट फास्ट हो रहा है। तो ई कोलाई मेन बैक्टीरिया है जो कि डायरिया के लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि हाईली इम्पॉर्टेंट है, वो कभी भी अगर इंसर्ट होगा तो डायरिया इज मोस्ट कॉमन फॉर एज अ डिजीज। ठीक है, देन डर्टी हैंड्स। तो डर्टी हैंड्स होंगे तो सिंपल सी चीज है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसर्ट हो सकता है आपके अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो ऑलवेज आई स्टार्टेड विद द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो यहाँ पे भी मैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। किसी भी इटियोलॉजी की वजह से या किसी भी कॉजेटिव एजेंट्स की वजह से क्या हो रहा है कि डायरेक्ट इंसर्शन हो रहा है, वो डायरेक्ट हमारे अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने के बाद फूड को जो हमने कुछ खाया हुआ है, मान लीजिए हमने कुछ कंटामिनेटेड फूड खा लिया है, तो उसके साथ भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर गए। अंदर जाते जाते उन्होंने क्या किया कि HCL जितना भी उनको किल कर पाया और जितने बच गए वो कहाँ चले गए, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर चले गए सिंपली। तो इंटेस्टाइन के अंदर जाएंगे तो सिंपल सी चीज है, वो उसको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन के साथ साथ इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, देन टिश्यू डैमेज भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें होने की वजह से क्या हुआ कि हमारे इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन था कि वाटर एब्जॉर्ब कर रही थी वो नहीं कर पाई, नहीं करने की वजह से क्या हुआ, स्टूल टाइट नहीं हो पाया, लूज रह गया। लूज रहने की वजह से क्या हुआ कि उसकी जो शिफ्टिंग थी वो फास्ट हो गई, फास्ट शिफ्टिंग की वजह से क्या हुआ, डेफिकेशन फास्ट हो गया और हमें डायरिया हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ द डायरिया। तो इट इज ऑफ टू टाइप, एक्यूट एंड क्रोनिक। सो एक्यूट डायरिया में क्या हो रहा है, एक्यूट डायरिया में हो क्या रहा है कि इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि इसका जो ऑनसेट होता है या कह सकते हैं कि कितने दिन तक हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट रह सकती है जिसको हम एक्यूट मानेंगे। तो एक हफ्ते, मोस्टली एक हफ्ते तक ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या 3 से 7 दिन तक हम कह सकते हैं, बट कहीं कहीं पे ये लास्ट लॉन्ग कब तक चला जाता है, 10 से 14 दिन तक ये लास्ट लॉन्ग चला जाता है, तो भी हम इसे एक्यूट में ही कंसिडर करते हैं। इसके बाद अगर टाइम पीरियड बढ़ जाता है, मान लीजिए 15 दिन 16 दिन 17 दिन या उससे ज्यादा आपको डायरिया रहेगा तो हम उसे क्रोनिक में काउंट करेंगे। तो कॉजेटिव एजेंट सेम वही है हमारे इन्फेक्शन, कोई भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें मेनली हम मानते हैं ई कोलाई को कि वो जाएगा तो डायरिया इज मोस्ट कॉमन। देन अगर ये एक्यूट डायरिया कंटिन्यूअस रहता है 10 से 14 दिन तक अगर कंटिन्यूअस रहता है तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, दैट इज एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ठीक है, तो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या है, इट इज अ इन्फेक्शन और कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक लाइनिंग। तो हमारी जो स्टमक की म्यूकोसा है जो कि हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो हम सब जानते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर कौन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हमारी स्टमक क्यों नहीं उससे अफेक्ट होता है, सिंपल सी चीज है, अगर वो एसिड है तो हमारे स्टमक को भी हार्म कर सकता है बट वो हार्म नहीं करता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द स्पेशल म्यूकोसा विच इज लाइनिंग अवर स्टमक। ठीक है, तो ये जो स्पेशल म्यूकोसा है जो हमारे स्टमक को लाइन कर रही है, मान लीजिए स्टमक है और ये मैंने अंदर वाली म्यूकोसा बना रखी हुई है, तो ये इतनी स्पेशल होती है कि इसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक के अंदर वो हमारे इस म्यूकोसा को क्रॉस नहीं कर पाता है और हमारे एब्डोमेन या स्टमक को हार्म नहीं कर पाता है। बट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस एक्यूट डायरिया की वजह से क्या हो रहा है कि ये म्यूकोसा इन्फ्लेमेट हो रही है, इसमें इन्फेक्शन हो रहा है और इन्फेक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, इसके अंदर पस फॉर्मेशन भी हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्रोनिक डायरिया। देन नेक्स्ट में हम देख लेते हैं क्रोनिक डायरिया क्या है। तो मैंने आपको पहले बताया कि एपिसोड्स ऑफ द एक्यूट डायरिया अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, लाइक मोर देन 14 डेज हो जाता है, तो वो क्रोनिक में चेंज हो जाता है। तो इन्होंने क्या बताया हुआ है कि 3 वीक्स तक या उससे ज्यादा अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो हम उनसे कंसिडर्ड एज अ क्रोनिक डायरिया।
सो इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं. तो टाइम पीरियड ऑफ द लूज मोशन क्या है? मोर देन 3 वीक्स है. ठीक है, मेन कॉज इन्होंने क्या बताया हुआ है कि ऑर्गेनिक डिजीज की वजह से हो रहा है. अब आप सोच रहे हैं व्हाट इज दिस ऑर्गेनिक डिजीज. तो ऑर्गेनिक डिजीज क्या है? दैट डिजीज जो कि डायरेक्टली हमारे किसी ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है. ठीक है, वो डिजीज जो कि डायरेक्टली हमारे ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है, दैट इज ऑर्गेनिक डिजीज. जैसे कि मैंने आपको म्यूकोसा वाला एग्जाम्पल दिया था कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटाइटिस वाला डिजीज हम इसमें एज एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है? क्रोनिक डायरिया हो रहा है. सो ये क्रोनिक डायरिया कभी कभी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और ये डिजेंट्री भी कॉज कर सकता है. व्हाट इज डिजेंट्री? इट इज अ स्टूल विद ब्लड, कह सकते हैं कि स्टूल के साथ जब ब्लड आता है तब हम डिजेंट्री कहते हैं. और ये होता कब है? जब हमारे टिश्यू इंजरी हो जाती है और अंदर ब्लीडिंग होने लगती है तब. नेक्स्ट आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हमारे पास है वॉमिटिंग. तो वॉमिटिंग क्यों हो रही है? सो हम कह सकते हैं इट इज अ वे टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, तो मान लीजिए हमने कंटामिनेटेड फूड खा लिया है तो हमारी बॉडी उसको डेफिकेट प्रॉपरली नहीं कर पा रही है. तो उसने हमारी बॉडी ने क्या किया? अब बॉडी को टॉक्सिक सब्सटेंस तो बाहर निकालना ही है ना किसी भी तरह से. तो उसने क्या किया? हमारे हाइपोथैलेमस या हम कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन ने क्या किया? एक दूसरी टेक्निक यूज की. वो टेक्निक क्या है? वॉमिटिंग. उसको निकालना है तो उसने वॉमिटिंग के थ्रू उस टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या किया? बाहर निकाल दिया. नेक्स्ट है हेडेक. तो अभी तक रिसर्च ने ये क्लियर नहीं किया है कि हेडेक क्यों होता है डायरिया की वजह से. तो मे बी हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो हेडेक भी हो रहा है. सो यहाँ पे आप देखिए फीवर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, 102 डिग्री भी हो सकता है. लेकिन ये कब होगा? जब हमें क्रोनिक डायरिया होगा तब. देन स्टूल कंटेनिंग ब्लड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कि अगर स्टूल कंटेनिंग ब्लड क्यों होगा? जब हमारे अंदर या हमारी म्यूकोसल इंजरी हो जाएगी या कह सकते हैं टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, नेक्रोसिस हो जाएगा, तब हमें स्टूल विद ब्लड आ सकता है. वेट लॉस होगा बिकॉज हमें वॉमिटिंग भी हो रही है, हमें डायरिया भी हो रहा है, हमारा कह सकते हैं कि फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो डाइट प्लान है वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है एंड हमारा वेट लॉस हो रहा है. सो अर्जेंट नीड ऑफ दी वॉशरूम, तो इसमें आई डोंट थिंक कि कुछ क्लियर नहीं होगा आपको. स्टूल ब्लैक हो सकते हैं. कब ब्लैक होंगे? जब इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो गए हैं और वो इन्फेक्शन हमारे ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रहा है और हमारे टिश्यूज को डैमेज कर रहा है, तब ब्लीडिंग के साथ हमारा स्टूल आएगा, जिसको हमने ब्लैक स्टूल कह दिया. देन लूज वॉटरी स्टूल, सबको पता है स्ट्रेस क्यों होगा? क्योंकि आपकी कंडीशन धीमे 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 सीवियर होती जा रही है तो स्ट्रेस तो होगा ही. लैक ऑफ एनर्जी होगा क्योंकि फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो रही है फिजिकली एंड मेंटली, बोथ यू आर बोथ द स्टेटस इज डिस्टर्ब ड्यू टू द कंटिन्यूअस या क्रोनिक डायरिया. देन नेक्स्ट है स्मॉल अमाउंट ऑफ द यूरिन. सो यूरिन क्यों कम हो जाएगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब फूड ब्रेक डाउन हो जाता है और वो हमारी बॉडी से बाहर आने से पहले हमारी जो इंटेस्टाइन है वो पूरा वाटर उसमें से ले लेती है, तो वो वाटर आगे चल के फिल्टर होता है और किडनी के थ्रू बाहर चला जाता है. तो अब अगर डायरिया है तो डायरिया में क्या हो रहा है? जो भी वाटर था जो कि एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए था वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ और वो स्टूल के साथ सारा बाहर आ गया, तो हमारा यूरिन कैसे बनेगा? देन ड्राई स्किन बिकॉज ड्यू टू दी कंटिन्यूअस लॉस ऑफ द फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट. देन इन्फेक्शन बाय द बैक्टीरिया, तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है, तो इट्स कॉमन. देन नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे. सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एज यूजुअल हम सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे. सो हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या क्या पूछ सकते हैं? एपिसोड्स पूछ सकते हैं उससे कि कितने दिन से उसको डायरिया हो रहा है. फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं कि कितनी बार वो दिन भर में जा रहा है. एंड टाइप ऑफ स्टूल पूछ सकते हैं कि उसको कितना ज्यादा थिन स्टूल पास हो रहा है. तो एपिसोड पूछने का जो पर्पस है वो ये है कि वी कैन आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ एक्यूट और क्रोनिक डायरिया. देन नेक्स्ट है हमारा लैब एग्जामिनेशन. लैब में हम क्या क्या कर सकते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं. तो स्टूल एग्जामिनेशन करने पे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया या वायरस या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये डायरिया हुआ है. स्टूल कल्चर कर लेंगे जिसमें हमें पता चल जाएगा कि उसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसकी कल्चर और सेंसिटिविटी कितनी है, वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है और कितनी ज्यादा किस एनवायरमेंट में वो रेप्लिकेट हो सकता है. देन एलाइजा टेस्ट करा सकते हैं. तो एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम
लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। तो ये होता किस लिए है, ये मेनली हमें पता बताता है कि कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है हमारे ब्लड के अंदर। तो सिंपल सी चीज है, इन्फेक्शन हो रहा था तो इन्फेक्शन की वजह से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होना ही होना है। तो आप सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होना है तो उससे हमें क्या मतलब। हमें ये मतलब है कि एंटीबॉडीज जितनी ज्यादा या जितनी फास्ट या जितने ज्यादा अमाउंट में होंगी उतना ही ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस या इन्फेक्शन की सीवियरिटी इंक्रीज हो चुकी होगी। तो हम एंटीबॉडीज के थ्रू पता कर सकते हैं कि इन्फेक्शन कितना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। तो कोकोनट वाटर हम सजेस्ट करेंगे कि उनको कोकोनट वाटर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो चुका है। सो नॉर्मली वो उतना वाटर, नॉर्मल प्लेन वाटर वो इतना इंटेक नहीं कर सकते हैं। कोकोनट वाटर तो कह सकते हैं टेस्टी भी होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा लेंगे एंड इट इज वेरी हेल्पफुल टू मेंटेन द फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट। देन मेट्रोनिडाजोल टैबलेट ले सकते हैं, इट इज एन एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक है तो सिंपल सी चीज है, ये कर क्या रही होगी, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द बैक्टीरिया को स्टॉप करके रखती है। सो अगर हम बैक्टीरिया के जो एक्शन है या उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को या उसके रेप्लिकेशन को स्टॉप नहीं करेंगे तो डायरिया को हम कह सकते हैं कि प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ट्रीटमेंट देने से कोई फायदा नहीं है अगर बैक्टीरिया अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे हैं तो। देन नेक्स्ट है लो मोटाइल टैबलेट। तो लो मोटाइल टैबलेट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है, द नेम इटसेल्फ टेलिंग द मीनिंग कि लो मोटाइल टैबलेट है, मतलब कि जो हमारी मोटिलिटी होती है, मोटाइल फंक्शन होता है हमारे इंटेस्टाइन का कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करने लगी है, तो उस फास्ट कॉन्ट्रैक्शन को ये स्लो करके रखते हैं। तो अगर उसका कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो जाएगा तो जो स्टूल है उसका शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा और लूज मोशन कंट्रोल हो जाएंगे। देन लोमोफेम टैबलेट। तो लोमोफेम टैबलेट का भी सिंपल ऐसे ही फंक्शन है कि वो क्या करती है कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बैक्टीरिया के साथ साथ बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती है। नॉरफ्लॉक्स दे सकते हैं, नॉरफ्लॉक्स इज सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करने में या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे एक्शन करने में हेल्प करती है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देंगे, इट इज अ बेसिक थिंग जो कि हम नॉर्मली देते ही हैं क्योंकि हमें फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखना है और हमारा जो सोडियम लेवल है वो लो होता जा रहा है विद वाटर ऑल्सो। आमला जूस दे सकते हैं एज पर टेस्ट ऑफ द पेशेंट, अगर वो लेना चाहता है तो हम दे सकते हैं, जो कि ग्लूकोज लेवल को और वाटर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइजीनिक प्रैक्टिस, क्योंकि अनहाइजीनिक प्रैक्टिस की वजह से ही ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर जाते हैं और हमारे हर ऑर्गन्स पे डायरेक्टली अफेक्ट कर देते हैं। सो हाइजीन प्रैक्टिस को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें एक कह सकते हैं फिल्टर्ड वाटर इंटेक करना है, हमें ऐसे वैसे पानी नहीं पीना है, किसी भी ऐसी जगह से हमें वाटर इंटेक नहीं करना है। फूड को प्रॉपरली कुक करके फिर उसे खाना है, वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करना है, फ्रूट्स को हमें पील करके खाना है, बिना पील फ्रूट्स खाने से हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसर्शन हो सकता है। स्पेशली जो मीट है उसके थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर हमने उसे प्रॉपरली कुक नहीं किया है तो उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ नहीं होती है और वो हमारे अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। तो जितने भी डेयरी वाले प्रोडक्ट हैं वो प्रॉपरली अच्छे पैक्ड होने चाहिए। जो मिल्क है उसको हमें बॉयल करके ही इंटेक करना है क्योंकि जर्म्स वगैरह बॉयल करने से मर जाते हैं। प्रिकॉशंस ले सकते हैं, सेम चीज वही, जो वेजिटेबल्स थी उनको हमें वॉश करना है, हैंड को वॉश करना है जो कि हमारे बेसिक थिंग होती है हैंड वॉशिंग। देन क्लीन वाटर पीना है, अच्छा प्यूरिफाइड वाटर हमें इंटेक करना है, अपने आसपास की चीजों को साफ रखना है, बच्चों को स्पेशली, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि चिल्ड्रन होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी सी लो होती है और उसके अंदर के ऑर्गन भी उतने ज्यादा मतलब स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं कि वो हर एक चीज को डाइजेस्ट कर सके, तो उनका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट डायरिया, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ क्लियर नहीं है यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।